சரணம் எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் ஸ்ரீயர் திருவடிகளே சரணம் ஸ்ரீ சைலேஷதயா பாத்திரம் தீபத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரபணம் வந்தே ரம்யசாமாதரம் முனி லக்ஷ்மீநாத சமாரம்பாம் நாதயாம நமத்யமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் யோ நித்யமச்சுத பதாம்பு ஜயுத்ம ருக்ம வியாமோகதஸ்ததிதராணி திருநாயமேனே அஸ்மத் குரோர் பகவதோஸ்ய தயைகசிந்தோ ராமானுஜஸ்ய சரணோ சரணம் பிரபத்யே மாதா பிதா யுவதயஸ்தனயா விபூதிஹி சர்வம் யதேவ நியமே நம தன்வயானாம் ஆத்யஸ்ய ந குலபதேர்வ குடாபிராமம் ஸ்ரீமத்தகவீபணம் பிரணமாமி பூதம் சகச்ச மகதாய பட்டநாத ஸ்ரீபக்திசாரபலசேகரயோனிவான் பக்தான் கிருதேனு பரகாதீந்திரமிஷ்ணான் ஸ்ரீமத் பராம் குஷமுனிம் பிரணதோஸ்மி நித்யம் நம ஸ்ரீரங்க நாயக்கை எல்லூ விப்ரமபேததா ஈசே விதந்த வைஷம் யனிம்னோன்னதமிதம் ஜகத் ஸ்ரீஸ்தனாபரணம் தேஜா ஸ்ரீரங்கேசயமஸ்ரயே சிந்தாமணிவிபோத்வாந்தமத்சங்கே அனந்தபோகினா பச்சன்யஸ்தபதர்ஜனம் சிதகடி சம்வாதிகபுஷேயகம் கிஞ்சித்தாண்டபகந்தி சம்ஹரதம் திவ்யாசமந்தஸ்மிதம் சூடாச்சும்பிமுகாம்புஜம் நிஜபுதா விஸ்ராந்த திவ்யாயுதம் ஸ்ரீரங்கே சரதசதம் ததயித பஷ்யேமலக்ஷ்மீசகம் ஸ்ரீவத்சசிஹ்னவிஸ்வேவ்யோ நமவுக்திமதீமகே யதுர்தயஸ்தயி கண்டே யாந்தி மங்களசூத்ரதாம் ஸ்ரீபராசரகண்டாரியமான ஸ்ரீரங்கேஷபுரோஹிதா ஸ்ரீவத்சாந்தசுரஸ்ரீமான் ஜயசே மேஸ்து பூயசே ஜன்மாத்யஸ்ய யதோன்வயாதிதரதஸ்சார்தேஷ்வவிக்னஸ்வராட் தேனே ப்ரஹ்மஹ்ருதாயமாதிகவயே முஹ்யந்தி யத்சூரயஃ தேஜோ வாரி மிருதாந்யதா விநிமயோ யத்ரத்ரு சர்வோ மிருஷா தாம்னா ஸ்வேன சதா நிரஸ்தகுஹகம் சத்யம் பரம் தீமஹி நிகமகல்பதரோர்கலிதம் ஃபலம் சுகமுகாத் மிருதத்ரவசம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரஸமாலயம் முகுரவோ ரசிகா குவிபாவுகாஹ வ்யாஸம் வசிஷ்டநத்தாரம் சக்தேஃ போத்ரமகல்மஷம் பராசராத்மஜம் வந்தே சுபதாதம் தபோநிதிம் வ்யாசாய விஷ்ணுரூபாய வ்யாசரூபாய விஷ்ணவே நமோ வைப்ரஹ்மநிதயே வாசிஷ்டாய நமோ நமஹ. ஸ்ரீமத் பாகவத கதாக்கே சௌதா தினே ஆஜ் சுக மகர்ஷி துவாரா பிரவர்த்த ஏ பாகவத் கதா சபி ஜனோ கேலியே சுக தேனே கேலியே ஹி பிரவர்த்தம் ஹுவா. ஜப் ஜப் ஹம் அப்னே மன் கோ சுக தேனே சாத்தே ஹேன் தப் அவஷ்ய ஏ பாகவத் பாட் கர்னா ஔர் அவஷ்ய ஓ பாகவத் கதா சுன்னா. सुनने के बाद हमारे मन में तो अत्यद्भुत शक्ति आ जाएगी, अद्भुत भगवत प्रेम आ जाएगी, उसके साथ साथ आनंद भी हमारे मन में सभी समय रहने के लिए आनंद भी आ जाएगा हमारे पास. कल हम धजेंद्र मोक्षम के बारे में नहीं देख पाए, इसलिए हम आज उस गजेंद्र मोक्ष के बारे में कुछ देखने के बाद आज के कथा के बारे में हम सुनेंगे. ये प्रकृति का तत्व सुख दुख से सभी समय मिश्र होना, हम सिर्फ सुख को नहीं देख पा सकते हैं, सिर्फ दुख को हम नहीं देख पा सकते हैं. सभी प्राणियों को, सिर्फ मनुष्य मात्र नहीं, मनुष्य, देव, गंधर्व,
यक्ष मृग सभी जंतुओं के लिए ये कष्ट और नष्ट सुख और दुख इट विल बी कॉमन, सबके लिए ये सामान्यता में रहता है। हम सोचते हैं ये सुख और दुख हमारे लिए ही आते हैं, परंतु उस तरह नहीं, सभी लोगों के लिए भगवान ने इस प्रकृति मंडल में सुख और दुख पाने के लिए रखा है। परंतु जिन महात्माओं के मन में सिर्फ सुख ही मैं तो पाना चाहिए, इस तरह उत्तम श्रेष्ठतम एक मनस आ गया, तब उस महात्मा सिर्फ भगवान के बारे में सोचेगा, क्योंकि इस प्रपंच में भगवान के बिना सुख कहाँ भी पास नहीं पा सकते हैं, वो सुख भी निरंतर नहीं हो सकता है। जो सुख हमारे लिए भगवान के बिना आ जाता है वो तो निरंतर नहीं हो सकता है, अवश्य उसके साथ साथ दुख भी आ जाएगा। जैसे हम तो कुछ स्वीट खाएंगे तो नेक्स्ट शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इसी तरह सभी प्रकार के जो जो अनुभव हैं इस संसार में प्रकृति मंडल में, भगवान को छोड़कर जिस अनुभव पर हमारे मन चलता है, तब हम तो ये निश्चय करना कि हम सिर्फ दुख के मार्ग में जा रहे हैं, क्योंकि ये सब पुराणों में स्पष्ट से ये बताया गया कि सिर्फ भगवत भक्ति मात्र सुख का कारण हो सकता है। भगवत भक्ति तो मुश्किल काम नहीं है, जैसे हम सोचते हैं खाना खाना तो बहुत अच्छा है, सुख का कार्य हो सकता है, आनंद का कार्य हो सकता है, परंतु जो खाना पकाता है उसके लिए दुख है। आप सुलभ से खा सकते हैं, परंतु आपके माता नहीं तो आपके बहन नहीं तो आपके पत्नी उस कार्य एक घंटे नहीं तो दो घंटे रसोई घर में कुछ इतना कष्ट ले रही है, उसके बाद ही आपके लिए सुख खाना मिलना है। इसलिए हम तो यहाँ पर देखें तो इस प्रपंच में कुछ विषय प्राप्त करने के लिए हमारे लिए कुछ कष्ट लेना चाहिए, और उस कष्ट के बाद जो विषय हमारे लिए आता है वो तो सुख का बात होगा। जैसे हम तो घूम घूम कर बहुत ज़्यादा धन वो धन संपादन करने के लिए हम जाते हैं, तब बहुत बड़ा कार्य करते हैं, कोई लोग बिजनेस करते हैं, कोई लोग जाकर नौकरी करते हैं, कोई लोग और दूसरा काम करते हैं, इतना हम तो मुश्किल से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जो फल मिलता है हम सोचते हैं वो तो आनंद का बात होता है। उपाय एक मार्ग जो कार्य आप कर रहे हैं वो तो मुश्किल है इस प्रपंच में, परंतु उस मुश्किल काम से जो फल आता है आपके लिए वो तो आनंद का बात हो रहा है। ये तो भगवान के बारे में हो तो इट विल बी डिफरेंट, वो तो अलग होता है। भगवान के बारे में जो काम जो कर्तव्य जो उपाय आप कर रहे हैं वो भी सुख होता है, उसके कारण से जो फल आपको मिलता है वो भी सुख होता है। ये इतना आश्चर्य अनुभव है, हम तो इसका डिफरेंस आप तो देखना पड़ेगा। एक भी कार्य इस प्रपंच में आप तो दुख के बिना नहीं पा सकते, परंतु भगवत भक्ति भगवत कृपा भगवत अनुभव भगवान से फल लेना होता है ना, वो सब भक्ति के साथ साथ चलने में होता है, वो भक्ति भी हमारे लिए फल के समान है, आनंदमय है, ये तो कष्ट का बात नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान से भक्ति प्रीति मिलने से ही भक्ति हो जाता है। ज्ञान योग में जैसे जैसे वो लोग परिपूर्ण ज्ञान से भगवान को ध्यान कर रहे हैं उसके साथ साथ प्रेम मिला जाए तो उसके तो भक्ति हो गया। ये भक्ति भी एक रसफल होता है, उस रसफल का अनुभव करते ही हमारे लिए भगवान साक्षात परमा आनंदमय भगवान को हम प्राप्त कर देंगे। इसलिए भगवत भक्ति में उपाय भी आनंद का मार्ग है, और उपाय के अनुष्ठान पर जो फल हमारे लिए मिलता है वो भी सुख का आनंद का भाग है।
इसलिए हम ये उपाय को सभी समय स्वीकार करना चाहिए, भगवत भक्ति का मार्ग का उपाय स्वीकार करना चाहिए। ये भगवत भक्ति सिर्फ मनुष्यों के पास ही नहीं होता है, सभी लोगों के पास है ये भगवत भक्ति। हम मनुष्य के जन्म को प्राप्त करके हमारे पुण्य फल इतना ऊंचा था, इसलिए हमारे लिए ये मनुष्य का जन्म को प्राप्त किया और उसको हम तो खर्च कर रहे हैं। एक टैंक में, बहुत बड़ा टैंक में पानी फिल कर दिया हमने, सुबह से उसका उपयोग कर रहे हैं रात तक, हमारे फैमिली में बस सभी लोग, रात में क्या हो जाएगा वो तो पानी तो खत्म हो जाएगा। सिर्फ फिर हम तो कल उसमें मोटर डालना पड़ेगा और पानी तो आना पड़ेगा हमारे लिए। तो ये मनुष्य जन्म परिपूर्ण पुण्य के फल से आपके लिए हो गया। जो पुण्य आप जो पुण्य आपने किया आपको नहीं जानता है, परंतु भगवान ने उस पुण्य फल का ये मनुष्य जन्म दिया। इसलिए हम बोलते हैं दुर्लभो मानुषो देहः, इट इज वेरी रेयर टू गेट द बर्थ ऑफ ए मनुष्य। सभी लोग को इस तरह नहीं मिल सकता है, सभी जंतुओं अभी तक शरीर नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी कोटि कोटि आत्माओं शरीर के बिना रह रहे हैं इस प्रपंच में, कुछ शरीर भी नहीं पा रहे हैं। परंतु हमारे लिए इस मनुष्य शरीर का भाग्य मिला तो क्या करना इस मनुष्य शरीर से, पूर्ति भगवत कथा का श्रवण करना, भगवत कथा के बारे में बताना और सभी समय भगवान का गुण गाना और भगवत सेवा में इस शरीर को लगना, यही ये शरीर का उत्तम प्रयोजन होता है। हम तो कहते हैं कुछ कुछ विषय पर, किस किस विषय को किस 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 तरह से हम तो उपयोग करना। कोई लोग पीने के पानी को लेकर इतना वेस्ट करते हैं, परंतु कुछ लोग को वो पानी हमारे लिए जस्ट इफ़ गेट ए बकेट ऑफ पानी तो बहुत बहुत बड़ा होगा हमारे लिए। तो हमारे लिए ये मनुष्य जन्म का उपयोग, उत्तम उपयोग इससे होता है जैसे हम अपने इस शरीर के सभी अंगों को भगवान के विनियोग करें। हम तो इसको किससे सीखेंगे, एक मृग से हम तो सीखेंगे, एक हाथी से हम तो सीखेंगे उसके बारे में। तो ही गजेंद्र मोक्ष का गजेंद्र मोक्ष कथा का फल होता है। गजेंद्र नामक एक हाथी था, उसके पूर्व जन्म के बारे में भागवत कथा में बताया हुआ है। जैसे वो तो उसके पूर्व जन्म में एक देवता था और उसके कुछ शाप के कारण ऋषि वर को वो तो बहुत अच्छी तरह स्वीकार नहीं किया, इसलिए ऋषि वर ने उनके लिए शाप दे दिया, इसलिए वो तो एक हाथी बना, हाथी बन गया। वो तो हाथी का हेड हो रहा है, सभी हाथियों का वही राजा है, गजेंद्र राजा बोलते हैं इसको। वो सभी हाथियों गजेंद्र के साथ मिलकर सीधे घूमने आते हैं, एक सरोवर में जाकर आदि आनंद से बहुत अच्छे तरह खेल रहे हैं, और सभी आदि अपने परिवार से खेल रहे हैं। उस समय एक गजेंद्र राजा के पादों को एक क्रोकोडाइल ने पकड़ा। क्रोकोडाइल को क्या कहते हैं हिंदी में, मगरमच्छ। मगरमच्छ ने हाथी के पादों को पकड़ा, ये तो भाग्य का विशेष है भागवतों का पाद पकड़ना। तो परंतु वो मगरमच्छ का ये याद था कि हम इसको मार देंगे, नहीं तो हम इस हाथी को अपने एक खाना बना देंगे। इस तरह वो मगरमच्छ तो इस तरह पकड़ रहा है। उस समय गजेंद्र अपने सभी हाथियों के साथ अपने को रक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहा है, जैसे हम प्रयत्न कर रहे हैं इस संसार पर। कोई लोग हमको आइए आइए इस तरह ये शब्द आदि विषयों पर ले देंगे, शब्द आदि विषयों पर हमको वहां पर बता देंगे। कोई लोग आकर हमसे आइए क्या कर रहे हैं आप, तो हम तो घूम कर आएंगे।
और कुछ बहुत अच्छे भागवतोत्तम लोग तो हमको लेकर भगवत विषय में डाल देंगे। इस तरह हमारे दुनिया में बहुत ज्यादा झगड़ा चलता ही रहता है, हम तो देख पाते हैं इसके बारे में। तो स्वामी मेरे मन तो तड़प रहा है वहां पर जाने के लिए मंदिर में, परंतु क्या करूं इस परिवार में इतना ये चल रहा है। ये सभी समय हमारे लिए भी गजेंद्र मोक्ष के समान, गजेंद्र और वो क्रोपड़े क्या बोले उसका नाम तो मगरमंच, उस दोनों के बारे में जितना बीच में युद्ध हुआ उसी तरह हमारे भी चलना है, हमारे और हमारे इंद्रियों के बीच में चलना है इसी तरह। एक इंद्रिय एक विषय पर ले चल रहा है हमको, दूसरे इंद्रिय दूसरे विषय पर ले चल रहे हैं, परंतु जो इंद्रिय एक इंद्रिय भी भगवान के पास नहीं ले चल रहा है। इस सभी इंद्रियों को अच्छी तरह कंट्रोल करने वाला एक ही है मनस। वो मनस भी हमको दूसरे विषयों पर रहने के लिए सभी समय हमको इच्छा देती है। हम तो वहां पर जाते हैं ये कहते हैं अब तो बाहर जाकर खाना तो सबके लिए हैबिट हो गए, क्या सेम थिंग हमारे मम्मी बन रही है परंतु उसमें तो आनंद नहीं पा रहे हम, तो वहां जाकर मेनू को देखकर इसको टिक करके ये अच्छा होता है। इसी तरह हमारे सभी इंद्रियों इस प्रकृति पर, प्रकृति में जो जो विषयों हैं इस पर चल रहे हैं। जैसे गजेंद्र को लेकर वो अपने तीर में अपने पानी में गजेंद्र को डूब करने के लिए वो मकरमंच प्रयत्न कर रहा है, उसी तरह वो भी उहु नामक एक देवता था, वो भी वो इस कृष्ण जी के शाप के कारण वो तो इस तरह बन गया, क्योंकि उन्हें उन्होंने पाप किया, एक ऋषि को पादों को पकड़ा, इसलिए ऋषि ने उसको साप दिया तुम तो मकरमंच नेक्स्ट जन्म में मकरमंच हो जाएगा। इसी तरह एक मकरमंच और गजेंद्र आडवार के लिए युद्ध चल रहा है। गजेंद्र अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए तीर में आने के प्रयत्न कर रहा है, परंतु वो मकरमंच तो अपने पूर्ति शक्ति से वो गजेंद्र को तालाब में वो तीर्थ में ले चल रहा है। इसी समय इतना समय हो गया कि 1000 वर्ष हो गया इसी तरह युद्ध करने के। हम भी कुछ अल्प विषयों पर मन को रखकर जितना समय हम तो लास्ट किया हम तो नहीं जानते हैं, बहुत ज्यादा समय हो जाएगा उसके बाद हम तो कुछ याद करेंगे क्या इतना अल्प विषय के लिए मैंने इतना खर्च किया, मैंने वेस्ट कर दिया, क्या फल होता है उसमें। तो हर बार बोलते हैं पासुरा में अर्प सारंगल वै सुवैत अगंडोडिंदे பற்பல்லாயிரம் உயிர் செய்த பரமா நின் அற்பொர் சோதித்தாள் நழுவது என்யான்றே அற்பசாரங்கள் அவை ஏ பிரபஞ்சமே ஜோ ஜோ அல்ப பலம் உஸ்மே தோ மைனே பகுத் ஜாதா குமா இஸ் தர குமா பகுத் ஜாதா தூங்கர் மைனே உஸ் பலம் கா அனுபவ கர்னே கே லியே பிராப்த கர்னே கே லியே பகுத் ஜாதா பரிஷ்ரம் லே லியா மைனே, परंतु भगवान आप मेरे सोच में ये आया कि वो सभी अल्प पर्व है, उसे कोई फल नहीं मिल सकता मुझे, से कोई फायदा नहीं, अब तो मेरे परम प्राप्त फल तो आप ही है, आपके बिना इस प्रपंच में जो जो फल मिलता है वो सभी अल्प फल माना जाता है। हम तो वो भगवत भक्ति के एक इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इस तरह का हमने बोला ना आपके साथ, जैसे हमारे बीपी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे शुगर के लिए होता है, भगवत भक्ति के लिए हो तो बहुत अच्छा होगा। सभी लोग अपने घर के बाहर एक बोर्ड डाल सकते हैं इतना भगवत भक्ति वाले, इतना भगवत भक्ति वाली, हम तो डाल सकते हैं 70% भगवत भक्ति वाली, मैं तो मेरा मीटर तो दिखाया इस तरह, कैसे हम तो देख सकते हैं। सी समथिंग वी नीड टू मेजर, जिस विषय को हम मेजर कर सकते हैं उस विषय से ही हम तो उपयोग कर सकते हैं, वी कुड टेक सम एक्शन ऑन दैट। आप खाना कुछ मेजरमेंट के बिना करते तो वो अलग में आ जाएगा, अलग वो तो खाना नहीं हो सकता, इसलिए जो भी कार्य हम तो मेजर्ड कार्य करेंगे तो वो तो उपयोग हो सकता है हमारे लिए। ये भगवत भक्ति भी मेजर्ड हो सकते तो बहुत अच्छा होगा।
इसके बाद भी इसके बात में भगवान इसके हमारे आचार्यों और वर्यों ने इसके बारे में कहे कि तुम अपने मन को जो जो अल्प विषयों पर रखते चलते हो तुम, तो तब ये निश्चय होगा कि भगवान परम पुरुष परम पवित्र परम उत्तम फल, उस उत्तम फल से बहुत ज्यादा दूर आ गए तुम। तो जितने पास में अल्प फलों के पास तुम रग रहे हो, महत तत्व भगवत तत्व से तुम बहुत दूर आ गए। हम तो इसको एक मैथमेटिक कैलकुलेशन में ला जाएंगे। आपके इस प्रपंच में, इस प्रकृति में अल्प विषयों में क्या कि भोजन करना और घूमना, बिना उपयोग किसी से बात करना, टीवी देखना, जो जो है आपको रख दीजिए, उन सभी को कितने समय आपको टाइम स्पेंड कर रहे हैं इसको नोट कर दीजिए उसको। तो उसके बाद आज हम कितने समय भगवान के लिए रखे थे, भगवत भक्ति के लिए हम तो आज भागवत कथा के लिए हम तो 2 घंटे रखे 3 घंटे रखे, हम तो हमारे भगवान को पूजा करने के लिए 1 घंटे रखे। आप तो रखकर ये दोनों का मैच कर दीजिए। आप 2 hours भगवत भक्ति के बारे में रखे, 10 hours अल्प विषयों के बारे में रखे, तो क्या होगा इसका प्रपोर्शन बहुत सुंदर सा थे, 1:5 बोलते हैं उसको हम तो। आपके भगवत भक्ति कैसे हैं, तो बहुत ज्यादा भगवत भक्ति से अल्प विषयों से हमारे लिए बहुत ज्यादा मन है। जैसे जैसे हम तो अल्प विषयों पर अपने मन को भेजेंगे, तब मन भगवत भक्ति से बहुत दूर हो जाएगा। आड़वार बोलते हैं पासुरम में, अनुगिल अनुगुम अगलिल अगलुम, अनुगिल अनुगुम, इफ यू गो नियर, आप भगवान के पास चाहे तो ये कदम आप रखे तो भगवान 10 कदम रखकर आपके पास आता है। आप नहीं जी मैं तो आपके पास नहीं आने वाला हूं, मैं तो जो जो विषय है इस प्रपंच में उसके अनुभव के लिए जाता हूं, इस तरह आप एक कदम उसके बाद उठे तो भगवान अपने कदम पीछे उठ रहा है, पीछे निकल रहा है, आपसे बहुत दूर चल रहा है। अल्प विषयों में हम तो छा जाना, साक्षात महत तत्व भगवत तत्व से हम तो दूर हो जाने के एक प्रयास हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अपने अल्प शक्ति को लेकर गजेंद्र क्रोकोडाइल से क्या हिरण मकरगंज उससे झगड़ा कर रहा है एक्चुअली, परंतु उसको ये विजय नहीं प्राप्त हो सकता है। क्यों? अपने अल्प शक्ति को इतना बड़ा मानकर हो तो फाइट कर रहा है। क्या हुआ फाइनल लास्ट अंतिम में, तो मकरमन सीधे इस गजेंद्र आड़वर को ले लिया, सब कुछ पानी में डूब गया, सिर्फ उसका जस्ट हाथ, हाथी का हाथ है ना, वो जस्ट विद दैट ही शोइंग, उसमें तो एक भगवान के अर्पित करने के लिए कमल पुष्प ले वो तो रख रहा है, क्योंकि अब उसको सोच में आया मेरे शक्ति तो अब उपयोग नहीं हो सकता है, सिर्फ भगवत शक्ति ही मुझको रक्षा कर सकता है, भगवत शक्ति के बिना मैं जो कर रहा हूं वो तो अनुपयोग हो सकता है। हाथी के लिए आया, एटलीस्ट हाथी के लिए 1000 साल के बाद आ गया, क्या हमारे लिए वो whether we will get that, हमारे रक्षक सिर्फ भगवान ही है, उसके बिना और कोई हमारे रक्षक नहीं बन सकते। ये मुमुक्षु बड़ी में एक सूत्र में बताया गया है, अत्यद्भुत सूत्र बताते हैं वहां पर, ईश्वर नहीं ओडिंदवर्गल रक्षकर अल्लर एन्नुमिडम प्रपन्न परित्राणत्तिले सोन्नोम। प्रपन्न परित्राणम, प्रपन्न जो भगवान के पादारविंदों पर शरणागति प्रपत्ति किया उसके बारे में कहते हैं, प्रपन्न बोलते हैं, प्रपन्न परित्राणम, प्रपन्न लोगों को परित्राण संरक्षण कौन करता है, प्रपन्न लोग को कौन करता है, सिर्फ भगवान ही करता है। इसके लिए हमारे लोकाचार्य स्वामी जी ने, लोक गुरु बोलते हैं, लोकाचार्य स्वामी बोलते हैं, आज तो उनका विशेष दिन है, उनका अवतार महोत्सव है, जन्मदिन बोलते हैं नहीं तो अवतार महोत्सव बोल सकते हैं स्वामी का, आज ऐप्पसील ओणम,
ऐपसी लोनम तुला मास में ये त्रिभुवन श्रवण नक्षत्र में स्वामी जी का अवतार हुआ। तो भागवत कथा प्रारंभ से हम तो बहुत ज्यादा आचार्य वर्यों का अवतार उत्सव हम भी मना रहे हैं सत्संग में। ये बहुत बड़ा भाग्य का हमारे बहुत बड़ा भाग्य विशेष है हमारे लिए। तो आज वो लोकाचार्य स्वामी जी का अवतार महोत्सव है, उसके साथ साथ उइगे आड़वार बोलते हैं, आड़वार में प्रथम आड़वार उइगे आड़वार बोलते हैं उनको, शरमुनि बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में तो स्वामी जी का नाम सरयोगी, हाँ सरयोगी बोलते हैं स्वामी जी का, उसका अवतार भी आज हुआ। ऐपसील ओणम, ओणम मीन्स त्रिवोण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र आज। तो उस श्रोणा नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में उन स्वामी जी का अवतार हुआ सरयोगी और पिंडलोकाचार्य, ये दो स्वामी जियों को स्मरण करके हम भी उसके बारे में अंतिम में उसका श्लोक बताएंगे। लोकाचार्याय उरवे कृष्ण पादस्य सूनवे संसार भोगी संतष्ट जीव जीवातवे नमः, एक श्लोक आता है उसके बारे में तो बहुत अच्छी तरह वो श्लोक भी हमको आपको सिखाएंगे। श्लोक को आचार्य वर्यों को स्मरण करना एक परम भाग्य है हमारे लिए। तो उन स्वामी ने ये ग्रंथ में ये बताया कि भगवान के बिना और कुछ लोग आपके रक्षा नहीं कर सकते, इसके लिए ये ग्रंथ बनाया गया है। स्वामी जी ग्रंथों के नाम तो हम तो नहीं सुन पा रहे, हमारे जीवन तो सिर्फ ग्रंथों को पढ़ने में हम तो डाल दे तो हमारे लिए टाइम तो नहीं बचेगा। वी हैव टू पुट ऑल अवर टाइम, सभी समय इस ग्रंथों का वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम तो पूर्ति खर्च करना होगा। इतना ग्रंथों बनाया हमारे आचार्य वर्यों ने, परंतु हम तो अल्प ज्ञान पा रहे हैं। बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य जन्म दिया गया है हमारे लिए। वहां पर लोकाचार्य स्वामी जी बता रहे हैं भगवान के बिना कोई रक्षक नहीं है। कौन कौन को हम रक्षक मानते हैं? कुछ लोग हमारे पिताजी माताजी, हमारे बगन हमारे भाई हमारे दोस्त हैं, बहुत बड़ा दोस्त हैं, वी आर वेरी थिक फ्रेंड। कैसे थिक, इतने थिक फ्रेंड हैं हम तो, वो तो हाथ नहीं हम तो ले सकते इस तरह, सभी लोग को बोल देंगे हम तो, परंतु जब आपके लिए एक आपत आएगा तब सभी लोग आपसे निकल जाएंगे। जिन्हों को आपने माना ये मेरे रक्षा करेगा, वो लोग जाकर अपने होम में डोर लॉक कर देगा। आप जितने बार वो डोर को स्वामी ओपन करिए डोर नहीं ओपन हो सकता है वहां पर। यह आड़वार का बार बोलते हैं स्वामी जी, वहां पर रुवाई बड़ी में बोलते हैं इतना लोग इन बार मिल रही, जब हमारे पास बहुत ज्यादा धन होगा आ सकते हैं तब। पुरुल सल्लक का अनिल वहां पर बोलते हैं इतना सुट्रत्वर, सभी लोग आपके पास आकर इतना बात करेंगे अच्छे तरह, जब आपके आपत का समय हो जाएगा तब कोई एक भी आकर आपको रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये सत्य का बात है, सिर्फ केवल श्रीमन नारायण ही आपका रक्षक हो। या हम तो द्रौपदी के तो कथा में भी हम तो सीख सकते हैं इसका बात, तो पांच पतियों वहां पर तो संरक्षित नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ भगवान ही उसके लिए कपड़ा दे दिया भगवान ने, कृष्ण भगवान ने। इसी तरह गजेंद्र आयुर्वान को ये सोच में आया आप मेरे रक्षा करने वाला सिर्फ ईश्वर है, सिर्फ परमेश्वर है, श्रीमन नारायण है। इसलिए गजेंद्र हाथी अपने मुंह से इतना बड़ा शब्द दिया, हे भगवान हमको रक्षा करने के लिए आ जा। तब उन्होंने ये बात किया कि आदि मूल में गजेंद्र आड़वार ने भगवान के बहुत ज्यादा नाम है भगवान के, परंतु उन्होंने ये नाम सेलेक्ट किया कि आदि मूल में। क्या है आदि मूल का नाम का महत्व क्या होता है? जो कौन इस प्रकृति ये भूमंडल और ये सभी लोगों देवताओं का आदि पुरुष है उनको मैं बुला रहा हूं, वो ही सर्व रक्षक होता है, उसको छोड़कर और कोई भी रक्षक नहीं बन सकते हैं। यही वहां गजेंद्र का अध्यवसाय का बात है। हम किसी को रक्षक पकड़कर
वो तो बोलते हैं वो क्या मेरे पास वो नहीं है, वो तो मेरे पास हो तो आपको रक्षा मैं तो कर सकता हूँ, परंतु अब तो नहीं है क्या ही बिल्टल आई हैव फेल्ड आई एक्चुअली लास्ट टू ब्रिंग माय गन, मैं तो गन को वहां पर छोड़ गया, आयुध को मैंने छोड़ दिया, परंतु आयुध है मेरे पास, आयुध का उपयोग नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो वो नहीं जानकारी है। उसको रक्षक को पढ़कर क्या प्रयोजन हो सकता है आपके लिए? रक्षक तो वो हो सकता है कौन आपके दुख को मारकर आपके सुख दे सकता है, वो ही रक्षक कहा जाता है। कौन है उसका रक्षक? ये रक्षक का नाम किसके पास रख सकते हैं? सिर्फ भगवान श्रीमन नारायण के पास ही ये रक्षक का नाम रख सकते हैं हम तो। इसलिए एक गजेंद्र ने आदि मूल में हमारे आयुर्वेद हमारे दिव्य प्रबंध में बोलते हैं, अति आश्चर्य से बोलते हैं, नारायण ओ मणिवन्ना नागणयाई वराई एन्नारिडरई नीकाई। आडवार जैसे हाथी ने बुलाया उसी तरह का आडवार ने प्रबंध में रचन किया, नारायण ओ मणिवन्ना। जैसे हमारे आपत तो बहुत बड़ा होता तो इतना चिल्लाता हूं मैं तो, है ना, हमारे लिए तो सिर्फ एंट एंट आकर मस्किटो आते तो इतना इतना बोलते हैं, सर्प आ गया तो इतना चिल्लाते हैं हम तो, सब लोग को सुनने चाहिए हो तो। इसी तरह महत आपत आ गया, महदापन्न समय जब हमारे लिए महत आपत आ गया तब हमारे लिए एक ही रक्षक है, वो साक्षात श्रीमन नारायण भगवान। इसलिए गजेंद्र ने आमदि मूल में इस शब्द को सभी लोग सभी देवताओं अपने अपने लोक में सुन रहे हैं। कौन कौन सुन रहे हैं? इंद्र देवेंद्र अपने स्वर्ग लोक में इस शब्द को सुन रहा है। ओ एक आदि पूछ रहा, ये आदि तो बुला रहा है, एक आदि तो, परंतु उन्होंने सोचा उस शब्द के अर्थ मैं नहीं हूं, आदि मूल में बोल रहे हैं, मैं तो आदि मूलम नहीं हूं, इसलिए मैं तो नहीं जा सकता। उसके बाद सीधे कैलाश में शिव शिव भगवान उस शब्द को सुन रहा है, उन्होंने सोचा ओ इस शब्द का अधिकारी तो मैं नहीं हूं, मैं भी भगवान के कृपा से सृष्टि प्राप्त किया, मैं भी भगवान के सृष्टि पदार्थों में मैं भी एक हूं, एक देवता हूं मैं, इसलिए आदि मूल का शब्द मुझे नहीं देख सकते हैं, मुझे नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो छोड़ रहा है। और उसके बाद उस शब्द सत्य लोग में जाकर ब्रह्मा के यश में पड़ा, और ब्रह्मा ने सोचा मैं तो आदि मूल नहीं हूं, मैं तो एक भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, इसलिए मेरे भी एक आदि मूल है, वो साक्षात परमात्मा परम पुरुष श्रीमन नारायण ही है। ये शब्द सीधे भगवान के पास गया और भगवान इस शब्द को सुना। भगवान तो भक्तों को जो चिल्लाना सुनता है तब भगवान तुरंत रक्षा करने के लिए शुरू हो जाता है। हमारे आंडाल गोता माता जी तिरुप्पावे में बोलते हैं, तिरुप्पावे में सब कुछ है, जो कुछ आपके लिए चाहिए वो सब कुछ तिरुप्पावे में है। वेद मनैतुकुम विद्याहुम।